आज हम बनाएंगे पके हुए केले के साथ टेस्टी सी बर्फी। इसके लिए मैंने ये गुड़ लिया है। आप जो है चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसे गुड़ के साथ बनाऊंगी। तो इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी हमें इतना ही डालना है कि गुड़ जो है अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। अब मैं इसे एक बार मिक्स कर लूँगी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी देर मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी ताकि गुड़ जो है अच्छी तरह पानी के साथ घुल जाए। ये मैंने 3 केले लिए हैं, देखिए कितने पक गए हैं। अक्सर हमारे घर में केले बच जाते हैं, इतने पके हुए केलों को कोई भी यूज़ नहीं करता, हम इसको फेंक देते हैं। इसलिए आज हम इससे बनाएंगे टेस्टी सी मिठाई। इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। देखिए मैंने इसको मिक्सी में इस तरह से पीस लिया है। अब गैस पे चढ़ाऊंगी मैं कढ़ाई, इसको कर लूँगी मैं गर्म। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी। मैंने ये देसी घी यूज़ किया है, आप इसे डालडा में भी बना सकते हो, लेकिन अगर हेल्दी वे में बनाना चाहते हो तो आप इसे देसी घी में ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। घी को पिघला लूँगी अच्छी तरह मैं। देखिए घी जो है पिघल गया है और गर्म भी हो गया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी जो है गेहूं की आटे की डाल दूंगी। आप जो है इसे सूजी के साथ भी बना सकते हो, इसे बेसन के साथ भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आज इसे बनाया है गेहूं के आटे के साथ। आटे को मैं अच्छी तरह घी के साथ मिक्स कर लूँगी। आटा जो है घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं आटे को धीमी आंच पर तब तक भूनूंगी जब तक इसमें भीनी सी खुशबू ना आने लग जाए और आटे का जो कलर है वो थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। हम इसे इसी तरह उल्टे पलटे हुए पकाएंगे ताकि आटा जो है कढ़ाई के नीचे ना लग जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए आटे का जो कलर चेंज हो गया है और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी केले जो हमने मैश किए थे। गैस को मैंने लो ही रखा हुआ है। अब आटे को हम इस तरह से केले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और केले को भी हम आटे के साथ थोड़ा भून लेंगे ताकि केले का जो कच्चापन है वो अच्छी तरह पक जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि 1 लाइक तो बनता है। देखिए आटा जो है केले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ की चाशनी जो हमने तैयार की थी। हम इसको छान लेंगे ताकि गुड़ में जो एक्स्ट्रा कुछ भी रह गया है वो निकल जाए। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनती है। देखिए इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि चाशनी जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए ये बनके तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे बनाऊँगी बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने देखिए इस तरह से एक बाउल लिया है। इसको मैं देसी घी के साथ इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बर्फ़ी बनाने वाला टीन है तो आप उसका भी यूज़ जो है कर सकते हो। ग्रीस लगाने से क्या होगा कि जब हम बर्फ़ी निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगी। अब आटे के मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से इसे दबा दबा के सेट कर लेंगे हम। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि जब भी मेरा कोई नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए बर्फ़ी सेट करने के बाद इस पर मैं डाल दूँगी इस तरह से ड्राई फ्रूट।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और अपना कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट जो है यूज़ कर सकते हो। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको भी देखिए इस तरह से मैं दबा के सेट कर लूँगी। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। देखिए 1 घंटा हो गया है, बर्फ़ी जो है हमारी अच्छी तरह सेट हो गई है। अब हम इसको कर लेंगे कट। आप अपने हिसाब से इसको साइज़ में काट सकते हो। देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, अब मैं एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी जो है बनके तैयार हुई है। अब मैं इसको करूँगी प्लेटिंग। देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग जो है कर दी है। मैं आपको एक पीस जो है तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी नरम, मुलायम और मुंह में घुलने वाली हमारी पके केले की बर्फ़ी बनके तैयार है। देखिए सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।